बोलिए मैडम क्या चाहिए आप लोग को? वड़ा पाव, भजिया पाव, रगड़ा पाव, समोसा पाव, इडली डोसा, इडली चोखा। एक चेहरा तो कुछ चिन्हल चिन्हल लगाता, मोहना तो नहीं है। कुछ मिला? ढूंढ रहा हूँ। अब पता चल जाए कितना लुकोई है। बड़ा मौज करता टने बम्बई में आते। कितना देख रहे हो। एक्सक्यूज मी, का रे? मतलब क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? नथिंग। अरे ओ हेलो, आए नहीं छुपाएंगी। एक मिनट क्या देख रहे हैं? अरे चीनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसे क्यों कर रहा है? देखो ना, ना मुँह छुपा के बोलो, ना ही सर झुका के बोलो, जो भी बोलना है मीनू हटा के बोलो। देवी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। अरे बाप, ये मोहना रहल। मोहना के दादा कब बम्बई नहीं आई रहे? मोहने रहल लेकिन साथे मेहरारू। घर हूँ मेहरारू। ठाकुर साहब, पुलिस चंपा के पति को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर उसके पति का कोई फोटो मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है इंस्पेक्टर, हम पता करते हैं। डैडी। अरे आओ, आओ। सब ठीक है? सब ठीक है। खाना वाना खाए? हाँ। मोहन जी, तुम्हें पता है पुलिस चंपा के पति का अभी तक पता नहीं लगा पाई। इंस्पेक्टर कह रहा था कि उसके पति का कोई फोटो होता तो हमें ढूंढने में आसानी होती। अब फोटो उसका, हाँ चंपा को यहीं बुला के पूछ लेते हैं ना। चंपा जी। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें कोई जानने वाला या तुम्हारा कोई रिश्तेदार इस मुंबई में है? ना बाबूजी, ये दुनिया में हमारे पति के अलावा हमार केहू नहीं के। कोई फोटो तो तुम्हारे पास होगा ना उसका? ना ही बाबूजी। अच्छा एक काम करो, उसकी शक्ल सूरत हुलिया तो बता सकती हो ना? हमार पति एकदम भगवान श्री राम जैसन बड़े, वही सूरत वही शक्ल और उहे तेज। अरे पगली, तू जिसे भगवान का दर्जा दे रही है वो कोई भगवान नहीं है, राक्षस है जो तुझे इस भीड़ भाड़ के शहर में अकेला छोड़ के चला गया हो। अरे वो कोई भगवान वगवान नहीं है बल्कि एक नंबर का कमीना है। दीदी दीदी बस, और कुछ मत बोलो बस। सुना है पानी के धार से पत्थर भी पिघल जाते हैं, और एक तेरा पति है पता नहीं किस पत्थर से बना हुआ है, उसे तो नरक में भी जगह नहीं। दीदी बस चुप हो जा बस। हमारे पति जैसन बड़े वो हमारे भगवान बड़े, और हम अपन भगवान के अपमान नहीं की सहन कर सके। अगर अगर वो के हमरा से करो दिक्कत बात तो बोल दी, हमेशा से चल जाए, बाकी बाकी उनका के कुछ मत बोली। पता नहीं कैसा पति है जो इतनी भोली भाली सीता जैसी पत्नी को छोड़ के चला गया हो।
छह महीना सोचतन बाकी कबहू ना चिट्ठी लिख के दे पौनी ना प्यार की जहारे कर पौनी। चाहे अब जो भी हो जाए आज तो चिट्ठी लिख के जरूर तुम्हारे सामने रख दे। जय भगवान, हम तो प्रेम पत्र दिले रही अपना प्रेमिका के पटावे खातिर, बाकी ई सारा बीच में मौगा की जने कहाँ से आ गई। हमार भाग्य खराब चलता अभी, लेकिन कोई बात ना, प्यार के तिजहार होई बहरी जाके। बच्चिया रहते हैं So sorry, madam. कौनो बात ना, ये उम्र में सब कुछ माफ होला। Good morning. Good morning. Everybody, please sit down. Thank you, madam. आज हमार पहला दिन बा और हम अपन परिचय देत पानी। हमार नाम है छिहत्री देवी। तो बहरिया बुझा गेल है छिहत्तरों देवी हो सतहत्तरों देवी और हम ही अपन माल के पटा अरे हमार मतलब कि प्यार के बारे में पढ़ावे आयल बानी बच्चों और बच्चियों। आज अपन दिमाग और किताब ना अपन दिल खोल के रखा। प्यार अंधा होला आज एकरे बारे में हम पढ़ाई। प्यार ऐसन चीज है ना गौर देखे ना करिया सीधा तीर समा जाला दिल के भीतरिया। जब कोनो लड़का के कोनो लड़की से एक तरफा प्यार हो जाला तो लड़का के ना रात में नींद आवेला और ना ही दिन में चैन मन करेला हरदम आँखी के सोझा देखत रहे। मैडम आई एम सो सॉरी। कोनो बात नहीं खे जवानी में सब जायज बा।
मजाक अच्छा करे नी रहुआ, थैंक यू। यू वेलकम। कौनो बात ना, जवानी में सब जायज बैची हतरो मैडम। हाँ साले, हमारे डायलॉग हमारे से बोलते रहे। हमरी राधा के अब भेज ले हमरी सामने, पहले ही चंपा नाम के बाधा डाल देले बड़ा। बुरा भी नहीं है। एक देख के तो दिल के तार झंझना गए। गाना गा ली का साचो में तो हाँ कभी कही ना, देखी सपना में का कहतिया। चलल जाओ। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी अरे गधा का बच्चा, दो दिन हो गए तोरा के मुंबई गई ने। अरे तो के फोन करे के चाहत लड़की ना रे। ना बाबूजी, हम फोन करवाला रहनी। चुप कर था का बच्चा। ये बता कहीं नौकरी उकरी मिलल की ना? कि ऐसा ही घूमा ताड़े? देख अगर कोनो काम ना ही मिला था तो चुपचाप घरे लौटा समझ की नहीं। ना बाबूजी, नौकरी मिल गई बा। हाँ मिल गई बा ना, तो अपने दुल्हन के आगे फटाफट ले जो। बाबूजी अभी तनखा मिले तो कमरा उमरा ले जाए, ओकरे बाद हम चंपा के ले आए। अच्छा ठीक बा, ठीक बा, रख फोन। जी बाबूजी। अरे क्या हुआ मोहन? कुछ नहीं, वो हमारे दोस्त छगन का फोन था, पूछ रहा था नौकरी वोकरी मिली या नहीं। तो बता दो ना कि नौकरी मिल गई। चलो। हमरा के छुट्टी चाहिए। छुट्टी? हाँ। किस लिए? हमार मेहरारू के तबीयत खराब बा। वो क्या है रामू? मुझे बिजनेस के सिलसिले में 15 दिन के लिए बाहर जाना है। मेरा जाना जरूरी है, लेकिन तुम्हारा जाना भी जरूरी है। तुम जाओ, जाओ। जी डैडी, लगता है आप बिजनेस ट्रिप पे बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ बेटा मैं जा रहा हूँ, लेकिन रामू काका भी अपने गांव जा रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? का बताएं बेटी, हमार मेहरारू के तबीयत खराब बा। अच्छा ठीक है, अब जल्दी चले जाइए वहाँ। जी जी मोहन जी, मेरी गैर मौजूदगी में इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जी आप चिंता मत कीजिए। मैं तो चिंता नहीं करूंगा, लेकिन अब चिंता की बारी तुम्हारी है। ओके बेटे, मैं चलूं। ओके आइए, मैं आपको कार तक छोड़ देता हूं। बाय। आइए।